एक विशेष धन्यवाद सभी पार्षद साथियों का इसलिए कि पिछले जितने सदन हमने देखे, मैं तो इस बार पहली बार सदन में आया, कि जो सहयोग आप लोगों का मिला, नहीं तो पिछले सदनों में हमेशा यही होता था टांग खिंचाई, मेयर सीनियर डिप्टी मेयर बदलना है, डिप्टी मेयर बदलना है। ये आप लोगों के सहयोग की वजह से हो पाया। 5 साल लगातार किसी तरह की कोई परेशानी किसी को नहीं, आप लोगों का भरपूर सहयोग मिला, आपका एक बार पुनः आभार। कैसा रहा आज का बजट, क्योंकि जनता लगातार देख रही है काम कैसा चल रहा है, लेकिन इस साल बताया गया कि 2100 करोड़ से ऊपर का बजट गया है, क्या रहेगा सर और कैसा रहेगा, जनता को फायदा कैसे मिलेगा? देखिए, नगर निगम ने इस बार जिस तरह से पिछले 5 वर्षों में नगर निगम की आय बढ़ाने के जो प्रयास किए थे, वो आने वाले समय में सार्थक होंगे। और इसी तरह से आज बजट को बढ़ाया गया है। आज बजट में जो प्रावधान रखे गए हैं वो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की और आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है, जो डिजिटल इंडिया बनाने की जो सोच है, सारी सुविधाएं आपके घर पर रहते हुए आपको मिले, आपको टैक्स भरना हो, आपको NOC चाहिए, उस तरफ इन 5 वर्षों में नगर निगम ने काम करके दिखाया है। और आज सभी साथियों का ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि विदाई समारोह रहा, तो सभी साथियों का जिस तरह से नगर निगम के चुने हुए मेयर सीनियर डिप्टी मेयर डिप्टी मेयर और सभी पार्षद साथियों ने जिस तरह से सहयोग दिया, आज उसी का कारण है कि 5 वर्षों में ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनके चुने हुए प्रतिनिधि यहाँ पे सदन में थे कि बिना किसी उथल पुथल के नगर निगम सदन बड़ी सुचारू रूप से 5 वर्षों तक चला। अभी दरअसल क्या है कि सर शहर पूछ रहा है कई सारे काम जो लगातार शुरू हो चुके हैं, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां पर भी सड़कों का काम स्लो चल रहा है, कब तक पूरे हो जाएंगे? क्योंकि हमें याद है कि मंत्री जी ने भी कहा था 6 महीने पूरा हो जाएंगे, तो ऑलमोस्ट हमने देखा है कि काफी हिस्सेदारी बहुत स्पीड में काम चला है, तो लगता है कि सर स्पीड में अगले 1 महीने में 1.5 महीने में जो कॉलोनी में काम जो चल रहे हैं वो स्पीड पकड़ेंगे? देखिए, बड़ी तेजी से काम शुरू हो चुके हैं। पीछे लगभग डेढ़ से दो वर्षों से कोविड की वजह से बहुत सारी समस्याएं आई, जो विकास कार्यों की गति पिछले 2 वर्षों में होनी चाहिए थी वो किसी वजह से नहीं हो पाई, लेकिन अब वो दोबारा से सुचारू रूप से शुरू हो चुके हैं, स्पीड से शुरू हो चुके हैं। और जिस तरह से आज चाहे हम बड़कल में पेरीफ्री रोड की बात करें, चाहे हम यहाँ अमृत योजना की बात करें, चाहे मुख्यमंत्री घोषणाओं की बात करें, इतना पैसा इन 5 वर्षों में नगर निगम के पास और नगर निगम के माध्यम से फरीदाबाद में लगा है, उसी का कारण है कि ये इतनी सारी विकास की योजनाएं सिरे चढ़ पाए। सर एक चीज़ और, 5 वार्ड बनने वाले हैं, कौन कौन से वार्ड होंगे, कि अगर बाय द वे जानकारी हो सके कौन कौन से वार्ड किस विधानसभा से कौन कौन से वार्ड आ सकते हैं? सर देखिए, ये इसके बारे में ज़्यादा जानकारी डिलिमिटेशन कमेटी है, उसके जो माननीय सदस्य हैं वो ज्यादा जानकारी। शहर आपको चाहता है सर, शहर आपको चाहता है, शहर आपको चाहता है, शहर चाहे की चेहरा है सर, मैंने अभी लोगों से पूछते हैं आपको बहुत चाहता है, ये सारे जितने चुने हुए लोग थे ये सभी शहर के चेहरे हैं। अगर हम शहर से रिव्यू लेते हैं कि कौन आपको लगता है सबसे बेस्ट आपको युवाओं में, तो सर आपका नाम निकल गया। सभी ने एक से एक यहाँ पर ऐसा व्यक्ति है जिसका सामर्थ्य है, जिसमें कैपेबिलिटी है, जिसने अपनी कैपेसिटी से ऊपर जाके लोगों ने काम करके दिखाया है। एक एक साथी ऐसा है नगर निगम में जिसने अपना भरपूर प्रयास करके, आपका बड़प्पन है अपने, नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक से एक ज्यादा काम करने वाला व्यक्ति मुझे इस टीम में, इस नगर निगम के सदन में पार्षदों के रूप में मुझे मिले हैं, और मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं कि ऐसी टीम के साथ ये 5 वर्ष शहर के लिए काम करने के लिए। चलिए सर, हमारे भी शुक्रिया, और हम भी उम्मीद करेंगे अगली बार आपको हम एक और एक पद बढ़ता हुआ देखें, जो हमारी भी कामना है। देखिए, ये सब पार्टी तय करती है क्या करना है क्या नहीं करना है, जो जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से तय होगी। जनता का रिव्यू क्या है, हम जनता का रिव्यू आपके सामने रख रहे हैं कि जनता ऑलमोस्ट युवाओं में आपको देख रही है। मैं धन्यवाद करता हूं अगर आप ऐसा समझते हैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे कैपेबल लोग हैं जो यहाँ पर लीड कर सकते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा सामर्थ्य मेरे से भी कहीं अधिक है, तो उन सब साथियों को पार्टी के द्वारा से दोबारा मौका मिलेगा, और वो लोग शहर की दोबारा सेवा पहले से भी अधिक ऊर्जा के साथ करेंगे, इसी उम्मीद के साथ एक बार पुनः आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आपको बता दें, जितने भी आप देखें, आज सभी पार्षदों का कार्यकाल 2 दिन बाद खत्म हो रहा है, तो कोशिश की जा रही है कि तमाम जितने भी लोग हैं, मैं एक बार पूछ रहा हूँ कमिश्नर साहब, एक सवाल सर, कैसा रहा बजट आज, कभी करीब 2100 करोड़ का बजट गया है, कब तक लगता है कि सर जमीनी स्तर पर पहुंच पाएंगे, क्योंकि अभी तक पिछला, अभी तो शहर है आपका कार्यकाल, तो नो डाउट सर जनता ने बहुत अच्छा सिरे चढ़ा है, अच्छा तारीफ मिली आपकी, लेकिन जो जमीनी हकीकत है सर, सड़कों की है, जो है, कब तक सिरे चढ़ पाएंगे सर? देखिए, उसके ऊपर सभी जगह के ऊपर काम शुरू हो गया है, और नगर निगम आपको प्रत्येक दिन बेहतर काम करता हुआ नजर आएगा,
आज का दिन इन सभी पार्षदों का, हमारे माननीय मेयर साहिबान का है, जिन्होंने पूरे 5 साल तक नगर निगम को दिशा दी है, हम उनका धन्यवाद करते हैं और एक बेहतर नगर निगम वो छोड़कर जा रहे हैं। आने वाले टाइम के अंदर हमने और कामों को और बेहतर ढंग से करेंगे और जब नया सदन बनकर आएगा तब तक आप नगर निगम को अच्छी पोजिशन में पाएंगे। हम भी चाहते हैं सर अगला जो सदन बन के आए आप ही शहर की कमान संभालें, क्योंकि जब तक आप थे हमने और सॉरी आप हैं डीसी रहे हैं, शहर सुधरा है और आज भी सुधर रहा है सर। इस बात के लिए हम भी आपको थैंक यू बोलेंगे क्योंकि आज शहर के जो हालात हैं बहुत अच्छे हो रहे हैं सर। थैंक यू। सभी ऑफिसर जो यहाँ पर आते हैं वो सब अपनी तरफ से प्रयास करते हैं, हम भी एक प्रयास कर रहे हैं शहर की बेहतरी के लिए। सभी लोग साथ हैं और निश्चित तौर पर और आगे हम बेहतरी की करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।